नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 29 अप्रैल सन 2022, आज की तिथि वार नक्षत्र योग करण की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। राहु काल का अशुभ समय आज क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल का शुभ समय क्या रहेगा, और आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक पंचांग 29 अप्रैल सन 2022। वैशाख माह कृष्ण पक्ष ग्रीष्म ऋतु और चतुर्दशी तिथि के साथ आज सूर्यदेव उदय होंगे। चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि 12:58 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि होगी। रेवती नक्षत्र 6:43 सायंकाल तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा, जबकि आज का योग विष्कुंभ योग 3:42 सायंकाल तक और उसके बाद प्रीति योग होगा। विष्टिकरण रहेगा आज 12:42 तक और उसके बाद होगा शकुनीकरण। राहु काल का अशुभ समय आज 10:40 प्रातः काल से प्रारंभ होगा, मध्याह्न काल 12:19 तक रहेगा। वहीं बात अभिजीत के शुभ मुहूर्त की करें तो अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:54 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा, 12:45 मध्याह्न काल तक रहेगा। गुलिक काल की बात करें तो 7:24 प्रातः काल से लेकर के 9:09 प्रातः काल तक गुलिक काल का शुभ समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और गुलिक काल में सभी शुभ कार्य करने चाहिए, राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं और गुलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्य किए जाते हैं। आज का जो दिशाशूल है पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में आज यात्रा करने से बचिएगा। यदि प्रतिदिन पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं, अपने कामकाज को लेकर के अथवा नौकरी को लेकर के पश्चिम दिशा की यात्रा प्रतिदिन करते हैं तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप किसी विशेष प्रयोजन से पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं, घर से आज जौ का सेवन करके ही पश्चिम दिशा की यात्रा करें। घर से निकलते समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो, उसी तरफ के पैर का पहला कदम रख करके यात्रा प्रारंभ करें, इससे यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। आज रेवती नक्षत्र सायंकाल 6:43 तक रहेगा, तब तक पंचक रहेगा, विशेष पंचक का विचार किया जाना चाहिए। उसके पश्चात 6:43 अश्विनी नक्षत्र होगा और रेवती नक्षत्र के साथ ही पंचक की समाप्ति हो जाएगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करिएगा। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जिन दर्शकों की विवाह वर्षगांठ है, आप सभी दर्शकों को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौभाग्य सुख प्राप्ति के लिए माँ पार्वती व भगवान भोलेनाथ का पूजन करना न भूले। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारियों के लिए, समस्त पूजा पाठ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा।